नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बता तो आपको हम बड़ी खबर रहे हैं, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून है, फिर भी शहर शहर मौत का कहर है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के छपरा जिले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो वाकई दुखी करने वाली है, दुखद है। साथ ही ये सवाल भी खड़े करती है कि आखिर बिहार में कैसी शराबबंदी। दरअसल छपरा में जो हुआ है वो बड़ा ही भयावह हुआ है। एक ही दिन में 7 लोगों की जान चली गई है, तो इसके अलावा 48 घंटे में ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है और इस घटना में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। दरअसल बिहार के सारण जिले में भेल्दी और मकेर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। इनमें 15 लोगों की आंख की रोशनी धुंधली हो गई है। 7 लोगों की मौत शराब पीने से होने का ग्रामीणों ने दावा किया है, तो डीएम ने भी प्रारंभिक जांच में इसकी बात कही है। घटनास्थल पर मेडिकल टीम भी पहुंची। उधर घटनास्थल पर जांच के लिए पुलिस को लगाया गया। पूर्व में भी 2 लोगों की मौत की बात जहरीली शराब पीने के बाद होने की बात सामने आई थी। उसके बाद हमने आपको खबर भी बताया था, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस लगातार अभियान चलाकर छापेमारी कर रही है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 48 घंटे के अंदर जिले में ये दूसरी बड़ी घटना है जब इस प्रकार की वारदात सामने आई है और लोगों की जान चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 लोग की जान चली गई है, इसके अलावा 20 लोग जो है बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया है। भेल्दी थानाध्यक्ष संतोष कुमार, मकेर थानाध्यक्ष नीरज कुमार मिश्रा, परसा थानाध्यक्ष कमलेश कुमार, अमनौर थानाध्यक्ष सुजीत कुमार समेत कई आला अधिकारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। अब प्रारंभिक तौर पर शराब पीने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर मेडिकल की टीम भी पहुंची हुई है, पुलिस भी छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल वही का वही है, आखिर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो ये शराब मिल कहां से रहा है, शराब बेच कौन रहा है और शराब पीने वालों पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। और जब पता है कि बिहार में शराब के नाम पर ऐसे धंधे चलाए जा रहे हैं, लोगों को जहर पिलाई जा रही है और इसी जहर को पीने के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन को क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या प्रशासन को उस इलाके में, चूंकि 48 घंटे में दूसरी बड़ी घटना है, 48 घंटे के पहले की हम बात कर लेते हैं, जो खबर हमने आपको बताई भी थी कि छपरा में 2 लोगों की जान चली गई है, तो इन 2 लोगों की जान जाने के बाद अगर पुलिस चेत जाती, पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई की होती उन लोगों के खिलाफ जो शराब पिलाते हैं, जो शराब बेचते हैं, जहरीली शराब जो है उसका धंधा करते हैं, तो आज ये 7 लोगों की जान नहीं गई होती, ये तो साफ तौर पर पता चलता है। मरने वालों में भेल्दी थाने के सोनहा भाभा गांव के पारस महतो का पुत्र चंदन महतो, मकेर थाने के फुलवरिया थाना भाथा नोनिया टोली गांव के काशी महतो का पुत्र कमल महतो, भरोसा महतो का पुत्र ओमनाथ महतो और विलास महतो का पुत्र चंद्रेश्वर महतो, सकलदीप महतो, धनीलाल महतो और राजनाथ महतो शामिल हैं। दरअसल गुरुवार को ये खबर आते ही लोगों में हड़कंप मच गया, दहशत मच गया और लोग लगातार सरकार से और प्रशासन से ये शिकायत कर रहे हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी कानून लागू कायदे से करना है तो इस तरह के लोगों को सबसे पहले अंदर कीजिए, इस तरह के लोगों पर नकेल कसिए जो जहरीली शराब पिलाते हैं, अन्यथा ये कहना छोड़ दीजिए कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ये बात जो है हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। और छपरा से बड़ी खबर और दुखद खबर निकलकर सामने आई है, एक ही दिन में 7 लोगों की जान चली गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।